This is our new pathology class in which today we will start the last topic of systemic pathology, that is male reproductive system. First of all, we will study about the first topic, first disease of male reproductive system, that is cryptorchidism. Actually एक बहुत ही important disease है exam के point of view से. काफ़ी इसके ऊपर जो question है वो पूछा जाता है. cryptorchidism जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम undescended testis भी कहते हैं. तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या condition है. cryptorchidism और undescended testis is a condition in which the testicle is arrested at some point in its descent. It is a congenital disorder in which one or both testes fails to descend into the scrotum and remaining in the abdomen or inguinal canal. तो देखिए, ये common congenital defect है, जन्म के साथ पाया जा रहा होता है. इसमें एक या हो सकता है दोनों testes ही scrotum में absent हो, ना पाई जाए. ये कॉमन कंजनाइटल डिफेक्ट है मेल जिनाइटेलिया का. बाइलेटरली भी, यानी दोनों टेस्टिस में ऐसा हो सकता है, या हो सकता है यूनिलेटरली हो. और ऑब्वियस है इनफर्टिलिटी कॉज करेगा अगर हमने सर्जिकली इसको करेक्ट नहीं किया है, क्योंकि केवल सर्जिकली ही इसको करेक्ट किया जा सकता है और कोई तरीका है ही नहीं. तो ये एनाटॉमी आप मेल प्रोटेक्टिव सिस्टम की देख सकते हैं भाई. ये आगे की तरफ पैनिस और ये स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस जो है वो दिखाया गया, जिसको अपन टेस्टिकल कह रहे हैं, यू सिंगल टेस्टिस को. तो ये तो ठीक है, आपका पढ़ा हुआ है, मुझे बार बार बताने के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ करके आए हैं. तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल टेस्टिस जो होती है वो बॉयज़ के अंदर डेवलप, अर्ली स्टेज में बॉयज़ में डेवलप होती है. हालांकि ये इनिशियली तो एब्डोमिनल कैविटी में ही लोकेटेड रहती है, पर बाद में ये स्क्रॉटल एरिया में डिसेंड या ड्रॉप यानी लटक जाती है प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट में. ऐसा चलता है स्टार्टिंग में तो एब्डोमिन में और बाद में फिर स्क्रॉटम में डिसेंड हो जाती है. बेबी के अंदर कोई नॉर्मल हॉर्मोन्स का रिस्पॉन्स जब चल रहा था तब तक तो ठीक है, पर इन्फेंट के अंदर टेस्टिकल जो है क्या काम कर रही थी, ऑब्वियस है स्पर्म या मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है मेल के अंदर, इन्फेंट में तो नहीं. अभी तो बच्चा ही है जब ऐसा कोई खास उसका रोल नहीं होता. स्क्रॉटम का एक्चुअली पर्पस क्या होता है कि टेस्टिस को कूलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बॉडी कंपैरिजन में. टेस्टिस जो होती है वो हायर बॉडी टेम्परेचर पर रह नहीं पाते, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते बॉडी टेम्परेचर में. इसलिए चाइल्डहुड के दौरान जो स्पर्म है टेस्टिकल के अंदर वो मैच्योरेशन प्रोसेस में जाते हैं. अल्टीमेटली मेच्योर स्पर्म प्यूबर्टी के अंदर बनेगा. पहले भी हालांकि स्पर्म तो बन चुके हैं, मैच्योरेशन प्रोसेस चल रहा होता है, पर प्यूबर्टी में ये स्पर्म जो है वो मैच्योर होते हैं. और अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुई स्क्रॉटम के अंदर तो स्पर्म जो है वो मैच्योर कभी नहीं हो पाएंगे. एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड जिसका मदन है जिसका मीनिंग हिडन टेस्टिस है. क्रिप्टोस मतलब हिडन और ऑर्किस का मतलब होता है टेस्टिस. इसका मतलब टेस्टिकुलर डिसेंट स्क्रॉटम के अंदर फेल हो गया है, तभी तो वो छुप गई है, वो दिखाई नहीं दे रही, हिडन है. तो ये दिखाई गई है स्क्रॉटम के अंदर ये टेस्टिस, एक टेस्टिस आगे जबकि दूसरी टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गई. वो नॉर्मल है उस साइड, नॉर्मल एनाटॉमी बताई गई है, वासा डिफरेंस के साथ दिखाई गई है. यहाँ पे अंडरसेंडेड टेस्टिस की एबनॉर्मल कंडीशन. अभी डिसेंट टेस्टिस एक्चुअली होती कैसे है भाई, देखिए ये इंटरनल इनगोइनल रिंग बताई गई है, ये इनगोइनल कैनाल और ये दूसरी इसकी एक्सटर्नल इनगोइनल रिंग इसके दूसरे किनारे पर दिखाई गई है. नॉर्मल पोजीशन टेस्टिस की ये होनी चाहिए. एब्डोमिनल टेस्टिस पहले यहाँ राइट साइड में देखिए ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में होते, फिर वो इनगोइनल कैनाल से होती हुई प्रेस्क्रॉटल यानी प्री प्यूबिक स्टेज में यहाँ तक पहुँचेगी और फिर फाइनली नीचे डिसेंड हो जाएगी. और अगर ये नहीं हो पाए तो उससे क्रिप्टोर्किडिज्म की कंडीशन राइज हो जाती है. इटियोलॉजी यानी रिस्क फैक्टर अगर आप देखें तो इडियोपैथिक ये होता है. इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, माँ की हेल्थ का भी, एनवायरमेंटल फैक्टर का भी रोल होता है, जो कि हॉर्मोन्स को डिसरप्ट कर रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस ला रहे होते हैं जो टेस्टिकल के डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहे होते हैं. बहुत सारे प्रीमेच्योर इन्फेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्टिस डिसेंट हुए बिना पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हो प्रीमेच्योर इन्फेंट है तो भाई मतलब 7 मास या 8 मास या बच्चे.
अभी वो पैदा मतलब पूरी तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, उससे पहले वो पैदा हो चुके थे, तो उनके अंदर ऐसी कंडीशन हो सकती है। लो बर्थ वेट बेबी में हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस या ओबेसिटी अगर माँ के अंदर है, माँ किसी एस्ट्रोजन वगैरह के एक्सपोजर में आई अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तब भी ऐसा हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स में जो लोग रेगुलर अल्कोहल का इंटेक कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स इस पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे पेशेंट्स में इन्फेंसी के अंदर या अराउंड स्कूल एज के अंदर जो है इस चीज़ का पता चलता है, या कुछ में अ फ्यू प्रेजेंट आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में भी ऐसा देखने को मिल रहा होता है कि उनको पता बाद में चला, पहले ध्यान ही नहीं दिया, जिसमें हो सकता है कि एक या हो सकता है दोनों टेस्टिस ही एब्सेंट हो। ग्रोइन में स्वेलिंग आ सकती है टेस्टिस या हर्निया की वजह से ऐसी कंडीशन हो सकती है। डायग्नोस कैसे करें भाई, MRI स्कैन करवा सकते हो, लैप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी वगैरह। खैर हमें तो सिर्फ नाम नाम लिखने हैं, इसको आगे डिटेल में हमारे को लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन भाई, लोकल पेन कॉज हो सकता है इसकी वजह से, स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आर्टरी में ट्रॉमा हो सकता है, फेल्योर रेट और हेमाटोमा जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। इसकी ईटियोपैथोजेनेसिस बच्चों, देखिए मैं बोल करके बता देती हूँ, पहले आपको तीन फैक्टर्स लिखने हैं, हार्मोनल फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में ट्राइजोमी 13 या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में एक्टोपिक लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, यानी टेस्टिस की एबनॉर्मल लोकेशन, एक्टोपिक ECTOPIC, एक्टोपिक लोकेशन ऑफ द टेस्टिस। दूसरा पॉइंट शॉर्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड, थर्ड नैरो इनगुइनल कैनाल और फोर्थ प्री मेच्योरिटी, ये सब स्ट्रक्चरल फैक्टर हो सकते हैं जो क्रिप्टोऑर्किडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और सबसे पहला जो मैंने बताया हार्मोनल फैक्टर्स में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, और दूसरा डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, मैटरनल और फीटल एड्रिनल्स। तो ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या कॉज करेंगे, इन एडिक्वेट फॉर्मेशन ऑफ द गुबरनाकुलम, GUBERNACULUM। गुबरनाकुलम क्या होता है, ये एक बैंड होता है जो कि स्क्रॉटम में टेस्टिस को खींचता है, तो अगर ये गुबरनाकुलम बैंड सही से बना नहीं है तो एरो करके लिखेंगे टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड होने में फेल हो जाती है, और फिर लास्ट एरो लगेगा जिसमें आप लिखेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म, यानी यही क्रिप्टोऑर्किडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बस इतना ही है क्रिप्टोऑर्किडिज्म, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।